शव रखकर कोतवाली के बाहर किया घेरा। खबर औरैया से है, दो बाइकों की आपसी टक्कर में इलाज के दौरान एक की मौत के बाद परिजनों ने कटिवही की मांग को लेकर अजीतमल कोतवाली के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि हल्की टक्कर लग जाने के बाद की गई थी मारपीट, जिसके बाद सफाई में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरी घटना औरैया अजीतमल कोतवाली के लक्ष्मणपुर मुड़ैया की है। अजीतमल कोतवाली के लक्ष्मण सिंह की मड़ैया में दो मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई, जिसको लेकर लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष के भाई ने आरोप लगाया है कि भाई राजेश के साथ मारपीट की गई कुछ लोगों के द्वारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको लेकर पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? विकास। अजीतमल कोतवाली में डेड बॉडी लाई है, क्या मामला है? सर इसका ये मामला है क्योंकि यहाँ NCR दर्ज नहीं हो रही है, हमें NCR मिल जाए हम लोग यहाँ से चले जाएं। क्या हुआ था? इधर से जो मेरे भाई हैं, इधर से इटावा से जा रहे थे औरैया की तरफ, तो इधर बीकेपुर के पास एक गांव पड़ता है, तो वहां पर रोक के इनको इतना पीटा, दो दिन पहले की घटना है। आज सैफई जिला अस्पताल में इनकी आज मौत हो गई है। क्या नाम है इनका? राजेश। ये कहाँ के निवासी है? ये भैरवपुर के। किन लोगों ने मारा है? इधर रहे हैं दौरे समाज के कुछ लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लक्ष्मणपुर। अब नाम हमें तो सर राधनाबाद दिया अपने थाने में, राधनाबाद थाने में दिया दिया है, लेकिन सर लोग हैं, हम इनसे कहना है मेरा। कब दिया था राधनाबाद? अभी दिया था 2 घंटे पहले। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम सर NCR मिल जाए और हमें ये आश्वासन दें गिरफ्तारी, जो मुलजिम है हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो बस। सर हम यहाँ से इटावा से आ रहे थे, यहाँ थे फिर बारहपुर पे, वहाँ से फिर चले आए रास्ते में, हम लोग आते रहे, फिर जाके बाद यहाँ पे आए तो इन्होंने थोड़ा हाथ दिया, एक बच्चा आया सामने, इसके बाद में ब्रेक लगाने में थोड़ा सा उसके पैर पे कुछ टच हुआ, इसके बाद में टच होने के बाद में बच्चा गिर गया, तो इनको जब मारने लगे पकड़े गाड़ी तो हम इसके बाद भाग गए, इसके बाद में इनको भी सिर से तोड़ दो, इसके बाद में चोट नहीं होनी चाहिए कहीं पर, इस टाइम दिखा दी इन्हें मारपीट कर रही करके, और लोग बाहर गाना गाड़ी ऑटो पे लाद दिया, इसके बाद पुलिस में फोन किया। किन लोगों ने मारा है, क्या नाम है इसका? बस्तर हम यहाँ के रहने वाले नहीं, मुझे ये पता नहीं। कब की घटना है ये? ये परसों की है। ये कौन है आपके? ये हमारा सारा है। आपका क्या नाम है? तुलसीराम। आप कहाँ के निवासी है? जालम जिला। ये कहाँ के निवासी है? ये भैरवपुर। भैरवपुर अजीतमल में लगता है? अजीतमल। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग हम ये चाहते हैं हमारे ये फरमाइश आपको लेना चाहिए, आपको मेरी फरमाइश लिखना चाहिए आपको। मामला ये है, हमारा भाई का भाई को मारा पीटा और मोटरसाइकिल से टेंट लग गई होगी थोड़ी पैर में, तो उन लोगों ने इतना मारा सर उसका। किन किन लोगों ने मारा है? ये बीकेपुर के बगल में पुरवा है सर, अब ऐसे हमें अभी नाम मालूम नहीं है, नाम लिखवा दिया और अभी तहरीर दे दी आपने? जी सर। अभी कब दी आपने तहरीर? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले जी। क्या चाहते हैं आप? हम सर न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। थाना क्षेत्र कोतवाली के चौकी मुरादगंज क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मड़ैया के पास में गत 2 दिन पहले जो है, दो व्यक्ति बाइक से एक व्यक्ति पैदल में एक्सीडेंट हुआ था आपस में। उसने बताया कि बाइक वालों ने जो है उसके टक्कर मारे और बाइक सवारों को भी चोट लगी थी, जिसमें तीनों आदमियों को जो है प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर किया गया था। इसमें आज इलाज के दौरान जो है राजेश नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई। इसमें 100 का पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके ये लोग जो है डेड बॉडी यहाँ पर लेकर आए। इनका आरोप था कि किसी ने मारपीट की, इसकी वजह से हमारे भाई की डेथ हुई जो है। और तहरीर को प्राप्त कर लिया गया है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मुकदमा पंजीकरण में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।